बच्चे को 2.5 लाख में सौदा करने वाली उसी की मां को एनआरआई पुलिस स्टेशन ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जून 1 के नवी मुंबई के आयुक्त है विवेक फंसारे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले को उजागर किया है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है, जो एनआरआई पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है रविंद्र पाटिल, उन्हें एक कॉल आती है और कॉल जो है करने वाली अमृता गुर्जर, वो जो है पूरी जानकारी देती है कि सर जो है मुझे बच्चा खरीदने का कॉल आया है और ऐसी कॉल जब मुझे आई तो मैंने जो है एक्सेप्ट किया और एक बच्चे को जो है खरीदने की पूरी जो है मांगनी को पूरा किया। जब ये पूरा मामला पुलिस ने सुना और समझा तो पुलिस ने एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद नेरुल स्टेशन बुलाकर जो बेचा है उसको, बेचने वाली माँ को और उसके साथ में अन्य जो 4 लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में माँ ने कबूला कि ये जो है तीसरी औलाद थी उनकी, इससे पहले जो 2 बच्चे थे वो उन्हीं के बच्चे थे, लेकिन वो उनका नवजात बच्चा था, यानी ये उनका बच्चा नहीं, ये किसी और का था, तो इसीलिए वो जो है इस बच्चे को बेचने का सौदा 2.5 लाख में की थी, जिसका भांडाफोड़ एनआरआई पुलिस स्टेशन ने किया है। क्या कुछ जानकारी ये पूरे मामले को लेकर के जून 1 के आयुक्त है विवेक फंसारे, उन्होंने दी है, देखिए पूरी जानकारी। एनआरआई पुलिस स्टेशन के आदमी उल्वे के यहाँ एक अमृता दत्तात्रेय गुर्जर नामक एक महिला थी, वो महिला को एक 10 दिन का बच्चा बेचने के लिए किसी ने कॉल किया था, तो उसने हमारे सीनियर पीआई रविंद्र पाटिल को फ़ोन करके ये मालूमात दी। उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रैप लगा के एक बहुत ही अच्छा डिटेक्शन किया है। इसमें बच्चा बेचने वाली महिला जरीना रहीम शेख और दोनों एजेंट थे ज्योति शाहरुख खान और शाहरुख खुर्शीद खान और अनिता सोष्टे और शुभम सोष्टे, ये 5 लोगों को हम लोगों ने इसमें अरेस्ट किया है। ये सौदा 2.5 लाख रुपए को तय हुआ था, इसमें हर एक को 50-50 हज़ार मिलने वाले थे, वो पैसे भी वो लोगों से हम लोगों ने बरामद किया है और बच्चा भी सुरक्षित अपने ताबे में लेके CWC भिवंडी के यहाँ हमने सौंप दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी कुर्ला।